मैं हूँ स्वाति पारस सर और आज बनाने वाले हैं हम गुलाब जामुन, मावा के गुलाब जामुन। और ये जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे, क्योंकि मावा के गुलाब जामुन जो है सभी को बहुत पसंद है और कोई भी शादी है, पार्टी है या कोई त्यौहार है उसमें हम ज़रूर बनाते हैं या खाते भी हैं, हम ज़रूर खाते हैं। कोई भी त्यौहार होता है तो उसमें हम ज़रूर बनाते हैं घर में, तो इसे आप ज़रूर बनाइए। और इसका बहुत आसान तरीका बताऊँगी मैं, क्योंकि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी ना तो इसमें फटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने मावा लिया है, बिल्कुल ताज़ा मावा है एकदम, और ये 2 कप है, इस कप से लिया है मैंने 2 कप। वैसे ये 350 ग्राम करीब मावा है। तो इसे सबसे पहले काम क्या करना है हमको, प्लेट, कोई भी थाली या प्लेट लेके बड़ी सी, और इसे अच्छे से मैश करना है। मतलब इसमें जो गुठली होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और एकदम फ्लफी, एकदम सॉफ्ट सा हो जाना चाहिए, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट। तो इसे अच्छे से मैश कर लीजिए पहले। देखिए अभी हमने 3-4 इलायची है जो हमने अच्छे से कूट ली है और इसमें हम डाल देते हैं। इससे इसमें गुलाब जामुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर डालिए। और आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, ये छोटे चम्मच हैं, इस चम्मच से 3 चम्मच मैंने आटा डाला है। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे इसे। अब हम इसका क्या करेंगे, डो तैयार करना है हमको, और बिल्कुल अच्छे से मल मल के हमें इसका डो तैयार करना है। अगर आपका मावा थोड़ा टाइट है, बाज़ार से लाए हैं आप और टाइट है, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए इसका डो तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा, 1-2 छोटे चम्मच दूध की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ताज़ा मावा है और इसे हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर आप थोड़ा सा और अगर आटा डालते हैं और आपको लग रहा है कि डो तैयार नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के डो तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आटा मत डालिए, मैदा, क्योंकि ये कड़े हो जाएंगे और बिगड़ जाएंगे आपके। तो पहले आप इसका डो तैयार करके और घी में आप उसे 1 गोली बना के और डाल के ज़रूर देखिए पहले आप इसे अच्छे से। अगर वो नहीं फूटता है, अच्छे से तल जाता है, तो वो सही रहेगा। डो तैयार हो गया और आप इसकी ऐसे गोली बनाइए और जितने बड़े साइज के आपको गुलाब जामुन चाहिए उतने बड़े साइज में आप रख सकते हैं। जैसे ये लिया है, तो आपको बिल्कुल इसमें वो नहीं आने चाहिए, मतलब क्रैक्स नहीं दिखना चाहिए इसमें, कहीं कहीं पे दिखते ना कटे फटे, वैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि जब हम तलेंगे तो फूटने का डर रहता है। तो ये देखिए छोटी छोटी ऐसी लेते जाइए और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है हमको डो, इसका दाने नहीं और गुठली नहीं दिखना चाहिए इसमें। और ऐसे देखिए मैश करते हुए इसे और अच्छे से हाथ में, और आपको ऐसे गोले तैयार करने हैं। भी देखिए ऐसे गोली बनाते जाइए। हाथ की हथेली में ऐसे दबाते हुए इसे, ये ऐसे हाथ की हथेली में दबाते हुए ऐसे बनाना है। इस तरीके से तो सारे एक साइज के थोड़े तोड़ लीजिए आप लोइयां, और फिर इसके बाद इसे बना देंगे हम। और अगर ज़्यादा टाइट मावा हो तो आप उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके उसको थोड़ा सॉफ्ट सा कर लीजिए, क्योंकि सूखा सूखा सा हो जाता है वो, तो ये बनता नहीं है अच्छे से डो। अरे मावे के हमने वो गोली बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो भगोनी चढ़ा दिए, थोड़ा चौड़ा बर्तन चढ़ाइए आप जिससे अच्छे से गुलाब जामुन उसमें डूब जाए। तो 3 गिलास करीब हम उसमें पानी डाल देंगे, 2 गिलास हो गया और ये 3 गिलास, तो ये 2 कप हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो 2 कप भर के हमने डाल दिए शक्कर,
ये आधा किलो करीब शक्कर हो गई हमारी इसमें, और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और चाशनी हमें तार वाली नहीं बनाना है, चिपचिपी सी चाशनी हमको बनाना है। तो हाई फ्लेम है ये, और जब ये उबलने लगेगा तो हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। उबाल आ रहा है चाशनी में, और ये थोड़ा सा हमने जो इमरती का कलर होता है ना जलेबी का, वो थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल नाम मात्र बिल्कुल। इससे चाशनी का कलर अच्छा दिखता है, और गुलाब जामुन भी दिखने में अच्छे दिखते हैं उस चाशनी में डूबे हुए कलर वाली। तो देखिए चाशनी हमारी, देखेंगे हम, चेक करेंगे, हमको तार नहीं चाहिए, हमें ऐसी चिपचिपी चाशनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से तार नहीं बन रहा है, लेकिन क्या है ये इस तरीके से हाथ से ऐसे चिपकनी चाहिए। तो तैयार हो गई हमारी चाशनी, और हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हमने, और एक कटोरी लिया है घी। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, और वनस्पति घी से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे हमने ऐसे गोले तैयार कर लिए थे, और जो सबसे छोटा हमने बनाया है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं पहले घी में डाल के। घी हमारा गर्म हो गया, और अब हम इसमें डाल के देख लेते हैं। और जब हमारा घी गर्म हो जाए अच्छे से, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम में ही बिल्कुल हमें इसे बनाना है। और धीरे धीरे इसे धीरे से हिलाइए, और चलाते हुए ऐसे बनाना है। तो अगर ये फूट जाते हैं इसमें, और तो अगर फूटते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला के फिर से अच्छे से डो तैयार कर लीजिए, तो ये नहीं फूटेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये फूटते हैं कि नहीं, धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अभी चिपक गया इसमें, तो ये देखिए इसमें ये फूट नहीं रहा है, और ये बहुत अच्छे से सिक रहा है। तो बस ये तैयार है हमारा। इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे। धीरे धीरे बिल्कुल चम्मच से आप इसको पलटते जाइए ऐसे हल्के हाथ से, और ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो ये सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं। तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन एकदम सेकना है हमको, और फ्लेम का ध्यान रखिए लो ही रहना चाहिए। तो देखिए लो फ्लेम में ये बहुत अच्छे से सिक गए हमारे, और अब हम इसको निकाल लेते हैं, और चाशनी हमारी गर्म है, उसी चाशनी में इसको डाल देंगे। तो इसे हम चाशनी में डाल लेंगे, और इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए सिक गया है, और इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है, और अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी में डाल के इसे कम से कम आधा घंटे के लिए रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये चाशनी को पी जाएंगे, और एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो बस ढक के रख दीजिए, आधा घंटा हो गया है, और ये देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट फूले हुए बने हैं। ना तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, ना हमने इसमें खाने का सोडा डाला, आपने देखा है। और ये जब चाशनी बन गई थी, तो थोड़े 5 मिनट पहले हमने इलायची डाल दी थी, हम बताना भूल गए आपको। तो ये देखिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी बनाइए, आपके यहाँ एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, उसमें आप बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। मैं इसे काट के भी दिखाती हूँ आपको चम्मच से। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए
कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं, और पूरा अंदर तक इसकी चाशनी भर गई है बिल्कुल। ये देखिए, दिख रहे हैं एकदम बिल्कुल अंदर तक चाशनी भरी हुई, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप ज़रूर बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरीके से बहुत अच्छे बनेंगे। थैंक यू सो मच।